स्वागत है दोस्तों आपका आई टी स्टडी टीम पर। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ दोस्तों बीए सेकंड ईयर 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के लिए, ठीक है, सेकंड पेपर के लिए लेकर आई हूँ दोस्तों। और मैंने आपको पिछली वीडियो में फर्स्ट पेपर के लिए IMP क्वेश्चन करवा दिए थे। यदि आपने वो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप बजाकर देख सकते हो। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ 50 यूनिट तक है दोस्तों, फर्स्ट यूनिट से 50 यूनिट तक IMP क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 10 से 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में आपका पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चन के लगभग हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली आपको यही क्वेश्चन के अलावा ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के लिए IMP क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर लाई हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के लिए। हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 5 यूनिट के हैं, फर्स्ट यूनिट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% आपको इन क्वेश्चन में से ही पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को स्किप नहीं, क्वेश्चन नहीं है, कमी है। पूरी यूट्यूब पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, आप ढूंढ लेना यदि आपको विश्वास नहीं है तो अभी, क्योंकि मैंने आपको नई शिक्षा नीति के आधार पर IMP क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। न्यू 20 के हिसाब से यही प्रश्न आएंगे पेपर में, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लो या एक दो बार पढ़ लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, ये सोचोगे कि हम आप इससे अच्छा इन क्वेश्चन को पढ़ लेते पहले तो, ठीक है। इसलिए आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर न हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी कर देना है, जिससे कि सभी दोस्तों को IMP क्वेश्चन भी 15 क्वेश्चन है, 10 के से 15 क्वेश्चन के लगभग है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आपको ये पढ़ लेना है। यह है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की व्यवस्था, प्रमुख स्रोत और विशेषताएँ और प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन में इस प्रकार कवर किए हैं कि आपके सिलेबस में दिया गया है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उन टॉपिक को इन पूरे प्रश्नों में कवर कर लिया है, जैसे कि आपसे एक भी क्वेश्चन इससे भार ना आए पेपर में। यही पेपर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये मिलेगा, ठीक है, पूरे क्वेश्चन इनमें से ही देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, 1 से 2 बार पढ़ लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको पर्याप्त आप अच्छे से लिख पाओगे पेपर में, ठीक है। इस वीडियो में आपको ओनली क्वेश्चन बताऊंगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी। और इसके आंसर की वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसके आंसर की वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर भी आपके लिए लेकर आऊंगी, ठीक है। तो पहले इस वीडियो में अपन इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की व्यवस्था, प्रमुख स्रोत, विशेषताएँ और प्रमुख धाराओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनु कौन थे, राजनीतिक विज्ञान को मनु की क्या देन है और सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौटिल्य कौन थे, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका स्थान निरूपित एवं सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत की विस्तारपूर्वक विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको इसी प्रकार ऑल सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन मिल सकें। और इनके आंसर की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, ओनली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको ओनली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे लिए भी ये मोटिवेट होता है। राजा राम मोहन राय कौन थे, इनके राजनीतिक विचार एवं सामाजिक चिंतन पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, इसमें अपन ऐसे नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ओनली महान पुरुषों के बारे में पूछा गया है, तो इसमें कोई सा भी टॉपिक दे सकते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछ सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पूछ सकते हैं, अरविंद घोष जी के बारे में पूछ सकते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसमें से अपन ये नहीं कह सकते कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनमें से आपको किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है, फिर भी मैं इनमें से आपको बता देती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी जी, ठीक है। तो इनके बारे में तो पूछा ही जाएगा, एक क्वेश्चन तो पेपर में आपको 100% इनमें से देखने को मिल जाएगा, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। लेकिन इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कभी क्या होता है, किसी वर्ष
इनमें से किसी भी नाम में से पूछ लेते हैं, ठीक है। ये इनमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं होते, सभी इम्पोर्टेंट में आ नहीं सकते, इसलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए इनको भी आपको पढ़ लेना है, छोड़ना नहीं है इनको भी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए, उनके राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के शिक्षा संबंधी, और यहाँ पर कोष्टक में लिखा हुआ है एरो बनाकर, राष्ट्रवाद तथा देश स्वराज संबंध एवं तिलक की समाज सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है एक से दो बार। अगला क्वेश्चन है, अरविंद घोष कौन थे, उनके राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आपको ये क्वेश्चन तो करना ही है, ये क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, इस क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा, धर्म और राजनीति, राज्य संबंधी सत्याग्रह की प्रमुख विशेषताओं को विस्तारपूर्वक समझाइए, ठीक है। इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है, इसमें से एक से दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति एवं राजनीतिक विचारों का विवेचन कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन तो आपको 100% कर लेना है, महात्मा गांधी जी और गुटनिरपेक्षता की नीति वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुभाष बोस एक राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ थे, स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रवाद संबंधी भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर जी की क्या भूमिका है, उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राय के नव मानवतावाद पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, निम्न के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए, इसमें इन सभी के राजनीतिक विचारों का वर्णन करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया गया है, निम्न के जो तीन टॉपिक दिए गए हैं मैंने इसमें क्वेश्चन को इस प्रकार लिख दिया गया है, निम्न के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए, जैसे कि ये पूरा क्वेश्चन बनाए तो राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए, और इनके भी विचार, जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। अगला है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद के और राजनीतिक चिंतन राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इन पर आपको लिखना है, इनके राजनीतिक विचारों का वर्णन करना है तीनों के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए, तो ये आपकी यूनिट 5 का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, पंडिता रामाबाई तो इन पर आपको टिप्पणी करना है, ताराबाई शिंदे इन पर टिप्पणी करना है, सावित्रीबाई फूले, और अगला दिया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय जी, तो इन चारों पर आपको टिप्पणी करना है, इसमें से आपको एक टिप्पणी पेपर में लिखने को मिल जाएगी, दो, ठीक है। तो इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 14 क्वेश्चन है, तो इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएंगे, ओनली आपको इनको पढ़ लेना, इनमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये नई शिक्षा नीति से पेपर आ रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर लेकर आएंगे हम, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इनके आंसर चाहिए, अगर बताओगे ज़्यादा से ज़्यादा तभी हम इसके आंसर की वीडियो लेकर आएंगे, नहीं अन्यथा इनके आंसर की वीडियो लेकर हम नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए आपको कमेंट के इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।